चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय जय संविधान जय संविधान सर। सम्मान्य साथियों, ये हमारे पुरखों की विरासत जो हमारे प्रबुद्ध साथियों ने बहुत ही मेहनत और लगन से झाड़ पहुंच कर फिर से हमारे सामने प्रस्तुत की है, हम पहली बात तो उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि जिस चीज को हम भूल गए थे या हमें भुला दी गई थी, ऐसा कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, आज हम फिर उसी संघ का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिससे हम और हमारे पूर्वज अपनी समस्याओं का निदान किया करते थे, अपनी उन्नति के रास्ते ढूंढा करते थे। बहुत ही सीधा साधा कंसेप्ट है समण संघ का कि यहां पर लोगों को इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठे होकर अपनी सभी समस्याओं का हल ढूंढा जाता है और अपनी तरक्की के मार्ग प्रशस्त किए जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें भारत में कुछ लोगों ने जो बाहर से आए, जो हमारे विरोधी संघ, जो विरोधी लोग थे, जो बमण लोग थे, उन्होंने एक साजिश के तहत हमें 6,743 जातियों में बांट दिया और हम 6,743 जातियों में बंटकर एक दूसरे से ऊंचा नीचा, एक दूसरे से भेदभाव करने लगे और वो चलता रहा। लेकिन इस धरती पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ और उन्होंने इन 6,743 जातियों को अपनी विद्वता, अपने संघर्ष के बल पर चार वर्गों में बांट दिया इन जातियों को, एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल। लेकिन इन वर्गों में बटे हुए लोग बाबा साहेब के मूल मंत्र की बधाई देते रहे, दुहाई देते रहे, और दुहाई क्या देते रहे कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। शिक्षित बने नौकरियों के लिए, शिक्षित बने केवल अपनी व्यक्तिगत उन्नति के लिए, अपना मकान, अपनी दुकान, अपना अपने अपने में सब लोग शिक्षा प्राप्त करने लगे अपने लिए, और संगठित होने के नाम पर लाखों की संख्या में संगठन बना लिए और हर संगठन का कर्ता धर्ता वो हमारे बीच आकर वो ये कहने लगा कि हमें संगठित होना है, हमें संगठित होकर संविधान बचाना है, ये कैसे हमें संघर्ष करना है। हेलो। लेकिन साथियों, उसी संगठन के लोग जब उस कर्ता धर्ता की थोड़ी सी वैल्यू समाज में बढ़ती थी तो बाकी उसी के जो कमेटी के लोग थे वो दूसरा संगठन खड़ा कर लेते, दूसरे फिर तीसरा खड़ा कर लिया, चौथा खड़ा कर लिया, और ऐसे आज 29 लाख संगठन हमारे इस एससी एसटी ओबीसी समाज के भारत में बन गए। 29 लाख संगठन का माने समझ लीजिए
कि ब्राह्मणों ने आपको बांटा 6743 जातियों में, लेकिन हमारे ही हमें बांट दिया 29,00,000 छोटे छोटे टुकड़ों में। यानी हमारी औकात अब जो है बहुत छोटे छोटे टुकड़ों की रह गई है। इसीलिए हमारे हक अधिकार जो सरकारें आईं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से संविधान में संशोधन किए, और वो ऐसे संशोधन किए कि जिससे एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों का नुकसान हो, और हम जो है संगठनों में बट बट कर क्या देते रहे, ज्ञापन देते रहे राष्ट्रपति को कि आज वो संगठन ज्ञापन दे रहा है, आज वो संगठन ज्ञापन दे रहा है कि हमें वो अधिकार चाहिए, हमें वो अधिकार चाहिए, और चार चार पांच पांच लोगों के संगठन अपने अधिकारों के बचाने की दुहाई देते रहे। और हमारे लिए हमारा संविधान बिल्कुल खोखला हो गया। तो हमारे कुछ बुद्धिजीवी साथियों ने इस पर दिमाग लगाया कि इतने सारे संगठन बाबा साहेब के नाम पर काम कर रहे हैं, और इतने सारे लोग जागरूकता के कार्यक्रम चला रहे हैं, सब लोग बाबा साहेब की बात मानने का, उनकी बात को आगे बढ़ाने का, उनके विचारों को घर घर तक पहुंचाने का कसम खाए हुए हैं, और लगातार ऐसा माहौल लग रहा है कि जैसे घर घर में बाबा साहेब विद्यमान हैं, उनके विचार विद्यमान। लेकिन ये हक अधिकार कैसे छिनते चले जा रहे हैं? तो जब तह तक गए और ये बात निकाली गई कि भाई इस पर मंथन तो करने की जरूरत है कि इतने सारे संगठन होने के बाद भी हमारे संविधान को खोखला कर दिया गया, तो इसका कारण क्या है? तो कारण समझ में आया कि हम छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर बाबा साहेब के विचारों की दुहाई दे रहे हैं। हम छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए हैं, और बटे हुए लोगों की संविधान बात नहीं सुनता, सरकारें बात नहीं सुनती, ना सुनी गई है पहले कभी, ना सुनी जा रही है अब, और ना सुनी जाएगी आगे भी। तो उन लोगों को लगा कि अगर इसी तरह से चलता रहा और संगठन इसी तरह से लूटते रहे समाज को, चंदे का धंधा चलता रहा, तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बिल्कुल खतरे में है। आने वाली पीढ़ियां सड़क पर आ गई हैं, ऐसा बिल्कुल लग रहा है। तो उन्होंने ये विचार किया कि हम कैसे अपने संविधान को बचा सकते हैं, और जो हमारे खोए हुए हक अधिकार हैं, जो हमारे लूट लिए गए हैं, उनको हम कैसे वापस ला सकते हैं, या हमारे जो पूर्वज लोग थे वो कैसे रहा करते थे। तो इस बात पर मंथन होने के बाद जब रिजल्ट निकला, निष्कर्ष निकला, तो ये निकला कि हमारे लोग इकट्ठा रहते थे, समूह में रहते थे, संगठन में रहते थे, संगठन नहीं बनाते थे, संघ में रहते थे, और संगठन एक बहुत छोटी इकाई है संघ से। तो ये संगठन क्या निकला? संगठन तो एक एक चंदे के धंधे का, लोगों का एक व्यवसाय करने का एक तरीका निकला, और संघ उसे वो सब संगठनों की मां का दर्जा दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ये बात समझ में आई कि हमें संघ में रहना है, तो हमारा संघ कौन सा है? तो जो बुद्ध से भी पुराना, जो बुद्ध के समय से भी पुराना जो संघ हमारे देश में चलता था, वो था श्रमण संघ। यानी कि
जो लोग समता के लिए काम करते थे, जो समानता के लिए काम करते थे, जो सभी की भलाई के लिए सोचते थे, उन लोगों का संग हुआ करता था समण संग, यानी समता में रमण करने वाले लोग। तो आज हम उसी संघ का हिस्सा बने हुए हैं। जितने साथी आज जुड़े हुए हैं, जैसा कि 264 265 लोग इस समय जुड़े हुए हैं, और वो अपने परिवार सहित और बहुत सारे लोग कई 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 लोगों के ग्रुप में इसको सुनते हैं, और लगातार ये कारमा बढ़ता चला जा रहा है और ये बढ़ना ही चाहिए। पिछले 8 महीने से ये प्रैक्टिस डेली हो रही है और इसमें समय तो लगेगा, लेकिन यही एक जरिया है जिससे हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुख दे सकते हैं। जिस सुख की कल्पना हम करते हैं और जिस सुख को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सर माइक अनम्यूट करिए सर। सर माइक अनम्यूट कीजिए। सर माइक अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही आपकी। ये तो हाँ आवाज आ रही है सर। हाँ सर आ रही है। मेरा माइक म्यूट किया गया था सर, वो हो गया होगा, करिए आप। अच्छा अच्छा। तो साथियों आज हम जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले 8 महीने से, इसमें समय निश्चित रूप से लगेगा, लेकिन यही एक रास्ता है अपनी पीढ़ियों को बचाने का, अपनी पीढ़ियों को सुख देने का। बहुत ही सीधा साधा कंसेप्ट ये है कि हमें जुड़ना है और जोड़ना है। संघ में किसी भी प्रकार का चंदा नहीं लिया जाता, किसी भी तरह की पर्ची नहीं कटती, किसी भी तरह के चंदे का धंधा नहीं होता, क्योंकि लोगों को जोड़ना है, पैसों को नहीं जोड़ना है। लोग जुड़ेंगे समस्याएं हल होंगी, पैसा जुड़ेगा तो लड़ाई होगी और बटेंगे लोग। जहां भी पैसा जुड़ा है वहां लड़ाइयां हुई हैं, वहां झगड़े हुए हैं, आपस में लोग टूटे हैं। लोग जुड़े तो अधिकार बचे हैं, इसका बहुत सीधा और सच्चा उदाहरण हम सब ने देखा है 2 अप्रैल 2018 को। कोई नेता नहीं, कोई पर्ची नहीं कटी, किसी का नेतृत्व नहीं था, कोई उसमें किसी संगठन का कोई काम नहीं था, सब लोग आपस में इस बात को ठान लिए कि हमें अपना SC ST Atrocity Act को बचाना है, और ये कसम खाकर 2 अप्रैल 2018 को सड़कों पर आ गए। और लोग सड़कों पर आए, सरकार झुकी और हमारा वो संविधान में पन्ना जुड़ा जिसको वो फाड़ दिया गया। ये है एकता की ताकत, ये है यूनिटी की ताकत, ये है संघ की ताकत, ये है इकट्ठे हुए लोगों की ताकत। तो यहां पर लोगों को इकट्ठा करना है, पैसे नहीं लिए जाते, छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं तो लोग आपस में ही उन 100-200 रुपए इकट्ठे कर आपस में उस काम को कर लेते हैं, क्योंकि वहां पैसा जुड़ने के लिए पैसे की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जब समण संघ की कोई मीटिंग, अब तो ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, इसमें तो कोई खर्चा ही नहीं हो रहा, और जब फिजिकल मीटिंग होंगी, जब एक्चुअल मीटिंग होंगी या हो रही हैं, जो भी हुई हैं, उनमें बहुत माइनर पैसे खर्च हुए हैं, बहुत कम पैसे खर्च हुए हैं, दरी पर बैठे हैं लोग, माइक का खर्चा हो सकता है, फूल माला का कोई खर्चा नहीं, किसी का स्वागत नहीं, कोई मंच पे नहीं, किसी तरह का कोई मान सम्मान नहीं, सब आपस में बराबर है, सबका मान सम्मान है, सब लोग दरी में बैठ रहे हैं, सामने सामने बैठ रहे हैं, गोले में बैठ रहे हैं, तो यहाँ पर कोई खर्चा नहीं। और छोटे मोटे खर्चे के लिए आपस में 100-200 रुपए इकट्ठे कर हम अपने खर्चे को कर लेते हैं, जिसमें पब्लिक से पैसा कोई नहीं ले जाता। सबसे बढ़िया बात और इसमें यह है कि यहाँ पर कोई नेता नहीं है, इसका कर्ता धर्ता कोई संचालक कोई निर्माता इसका नहीं है,
यहाँ सब हम संघ के कर्ता धर्ता हैं, सभी निर्माता हैं, सभी संचालक हैं, सबका हिस्सा बराबर है, सब समान है, स्त्री पुरुष सभी जाति धर्मों के लोग जो समता की बात करते हैं, जो एकता की बात करते हैं, जो यूनिटी की बात करते हैं, जो लोगों के विकास की बात करते हैं, जो उन्नति की बात करते हैं, वो इस प्लेटफॉर्म में आ सकते हैं और इसमें जुड़कर हिस्सा ले सकते हैं और समानता के लिए लड़ सकते हैं। तो यहाँ सब समान है। दूसरी बात, तीसरी बात सबसे बढ़िया ये है कि ये संगठन राजनीति में नहीं जाएगा कभी। यहां पर कोई राजनीति नहीं होगी, कोई किसी पार्टी का, कोई किसी किसी का समर्थन यहां पर नहीं किया जाता। यहां राजनीति में यहां का आदमी संघ को छोड़कर जा सकता है, संघ राजनीति में नहीं जाएगा। तो यहां पर हम ये भी बात दिमाग से निकाल दें कि संघ किसी पार्टी का समर्थन करेगा या अपना कोई नेता बनाएगा, अपना प्रधानमंत्री बनाएगा। यहां तो प्रधानमंत्री संघ के सामने झुकेगा आकर। ये औकात हमें पैदा करनी है कि जब हम इकट्ठे हो जाएंगे तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आपसे पूछेगा कि मुझे आपके राज्य में करना क्या है, आपके देश में करना क्या है, आपकी इच्छाएं अपेक्षाएं क्या है, आपकी मांग क्या है, मांगे क्या है। ये औकात संघ पैदा करेगा और निश्चित रूप से होगी, एक हमें विश्वास है इस बात का। जिस तरह से ये कारवां चलता चला जा रहा है तो निश्चित रूप से ये होने वाला है। संघ में सिर्फ और सिर्फ लास्ट और जी एक ही प्रमोशन यहां पर होता है कि जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग इस संघ में एक्टिव होकर काम करना चाहते हैं, एक तो ये होता है कि भी जुड़ गए और सुन रहे हैं और कभी अपनी सुना भी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें लगता है कि अगर मैं भी इसमें इसी तरह से काम करने लग जाऊं जैसे दूसरे साथी काम कर रहे हैं तो ये संघ और जल्दी ग्रो कर सकता है और जल्दी फैल सकता है और जल्दी हम इकट्ठा हो सकते हैं। तो जो जो सक्रिय सदस्य बनना चाहते हैं तो यहाँ पर वो प्रवक्ता कहलाते हैं। यानी जो चीज संघ की जो कंसेप्ट है, जो संघ की विचारधारा है, उसे जन जन तक पहुंचाएंगे, वो स्पोक है, वो प्रवक्ता है। और ये इसमें लास्ट और फर्स्ट प्रमोशन है, इसके बाद कोई प्रमोशन नहीं। यही एक्टिव लोगों की पहचान होगी कि वो काम करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे और जुड़वाएंगे, यही उनका मुख्य काम है। स्पोक बनने के लिए कुछ नहीं करना है, कोई इसके लिए कोई फॉर्म नहीं भरना है, कोई किसी तरह का और कोई कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो बातें आप सुन रहे हैं, श्रद्धे सुधीर राज जी अपने कंसेप्ट को जो जितनी बेहतरी से बताते हैं और जितनी ऐसा लगता है कि बस वो बोलते रहें और हम सुनते रहें सब, जब उनका कंसेप्ट होता है तो ऐसा समझो कि कोई प्रवचन चल रहा है और प्रवचन ऐसा कि हमारी उन्नति का मार्ग का प्रवचन चल रहा है, जैसा कि बुद्ध प्रवचन दिया करते होंगे। हमने बुद्ध तो नहीं देखे लेकिन उनके प्रवचन से हमें याद ये आभास होता है कि इसी तरह से हमारे संत महापुरुष प्रवचन देते होंगे और वो लोग सुनते होंगे और वो उन बातों को एक्सेप्ट करते होंगे और उनको जीवन में अपने लाते होंगे, ढालते होंगे। तो वही काबिलियत उनसे सीख सीख कर हमें भी अपने अंदर भरनी है और वो उसी विचारधारा को, उसी कंसेप्ट को हमें जन जन तक पहुंचाना है। और एक एक आदमी को जो विकास की बाट जो रहा है उस तक ये पहुंचाना है। और ये हम सबका काम बनता है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी जल्दी जीतेंगे। जीतने की जिद है जुड़ने की, और जिद है हमें अपने जीने की, आने वाली पीढ़ियों को सुख देने की। जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी जीत जाएंगे, देर से जुड़ेंगे देर से जीतेंगे। जब जब जुड़े हैं तब तब जीते हैं, और आगे जब भी जुड़ेंगे वैसे ही जीते, जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे जीतते चले जाएंगे। तो हम सब जो है इस बात को प्रण करके आगे बढ़े, यही मेरा आपसे कहना है और यही मैं आपसे सभी से निवेदन करना चाहूंगा। तो मैं अपनी बात को
विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संबुद्धाय। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Sangam Sarnam Garchami.